अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग में चार पांच बातें जुड़ी हुई। जैसे हमारे पास शिकायतें आती हैं कि हमारा कंधा उतर रहा है और तीरा ऊपर की साइड चढ़ रहा है या यहाँ पे झोल है, तो क्या कारण है? अगर आप कटिंग सही नहीं कर पा रहे हैं तो यही कारण है कि यहाँ पे झोल आती है, तो आपकी कटिंग में कोई कमी है। अगर आपके कंधे उतर रहे हैं तो उसमें भी कमी है। अगर आपका तीरा ऊपर की साइड जा रहा है तो आपकी कटिंग में ही कमी है। तो यही कारण है कटिंग का कि आप सही से नाप नहीं लेते हैं और कटिंग को सही से समझ भी नहीं पाए हैं। तो मैं आपको अच्छे से फिर एक बार बताती हूँ कि आपको ब्लाउज फिट बनाने के लिए क्या करना है। पहले ब्लाउज को अच्छे से रखना है बराबर करके। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं आरुमन, यहाँ से यहाँ तलक, तो आपको यहाँ से यहाँ तलक नाप लेना है इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे हमारी चेस्ट 16 है, 16 चेस्ट है और ये शोल्डर भी हमारे बराबर होने चाहिए। गले की चौड़ाई हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शोल्डर नापेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे शोल्डर 11 इंच हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहले ब्लाउज का नाप ले लें। अगर आप ब्लाउज सिलते हैं तो आप पहले ब्लाउज को अच्छे से नाप लें और जिसका आप ब्लाउज सिल रहे हैं उससे आप पूछ लें कि ये आपका ब्लाउज फिट है, तो उसी का आप अच्छे से नाप लेके ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ से इसके जो शोल्डर हो रहे हैं वो 11 इंच के हो रहे हैं। तो जैसे ब्लाउज है आपका, तो आप इस तरीके से नाप ले लें। पहले यहाँ पे आप शोल्डर का नाप लें और उसको भी आप लिखते जाएं। तो यहाँ पे शोल्डर 11 इंच के है और चेस्ट हमारी 16 इंच है और यहाँ पे एक तीरा है, यहाँ से नाप लेंगे। जैसे जिसका सीना है उसी के हिसाब से तीरा काटना पड़ता है, तो हम यहाँ से इसका नाप ले लेंगे, इस तरीके से खींच के नाप लेंगे। तो यहाँ पे 11 इंच हो रहा है और बीच में यहाँ पे, तो बीच में भी 11.5 इंच हो रहा है। तो ये हमारा शोल्डर का हो गया और चेस्ट का हो गया और तीरे का हो गया। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। तो ये हमारी यहाँ से पीछे की लंबाई होती है, तो हमें इसका भी नाप लेना है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 12 इंच है। तो यही कारण है आपके ब्लाउज में जो भी कमी है, आप सही से नाप नहीं ले पा रहे हैं, उसको आप ज्यादा या कम करते हुए नाप लेते हैं, तो वही कारण है कि आपकी फिटिंग भी सही नहीं आ रही है। तो आप जब भी ब्लाउज को काटें तो इसी तरीके से अच्छे से नाप लें। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका जो हमने नाप लिया है तो हमें बस 1-1 इंच और आधा इंच ही ज्यादा लेना है। अभी हमारा अस्तल है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी, जैसे हम आगे पीछे के दोनों पल्लव निकाल सकते हैं। हमारी अगर कपड़े की लंबाई ज्यादा है तो हम दोनों पल्लव निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई तो 12 इंच की है, तो यहाँ पे कपड़े की लंबाई हो रही है वो 15.5 इंच हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारी चेस्ट 16 इंच है तो हम यहाँ पे 17 इंच ले लेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पे हमने फिटिंग का 17 इंच का निशान लगा लिया। अब हमें कपड़ा चाहिए सिलाई के लिए, दोनों साइड दबाने के लिए, तो हम यहाँ पे कपड़ा 1.5 इंच ले लेंगे। दोनों साइड हमें सिलाई के लिए कपड़ा दबाना है, तो 1.5 इंच काफी है। अगर आप चाहें तो 2 इंच ले लें। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। अगर हमने नाप के सही से ब्लाउज की कटिंग कर ली तो हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी। अगर हम उसको गलत काटेंगे तो हमारी फिटिंग भी गलत रहेगी। अब यहाँ पे हम ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है तो हम यहाँ पे 13 इंच ले लेंगे। अब इसके बाद हम इसको आगे की साइड इस तरीके से दबाएंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे आगे के पल्लर को बड़ा, पीछे के पल्लर से आगे का पल्लर हमारा 1.5 इंच लंबाई में ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे हम 6 इंच, जैसे 11.5 इंच है हमारे शोल्डर या 11 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे शोल्डर। आरुमल हमें ज्यादा नहीं लेनी है क्योंकि चेस्ट हमारी कम है, तो हमें यहाँ पे 6 इंच लेनी है बराबर, कम 1-1 इंच, 1-1
यहाँ पे हमारा बराबर होना चाहिए 6 इंच, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि चेस्ट कम है तो हमें 6 इंच ज्यादा है, हमारे 6 इंच काफी है। अब इसके बाद हमने चौकुटा निशान लगा लिया, यहाँ पे हम गोलाई का शेप। अब हम यहाँ पे गला जैसे चौकुटा बनाना चाहते हैं तो हमें चौड़ाई 2.5 इंच की लेनी है, गले की लंबाई 6 इंच की। अगर हम पीछे का गला ज्यादा लंबाई में रखना चाहते हैं तो इसको हम दोबारा से नापेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई हो रही है वो 8.5 इंच हो रही है, तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेंगे 8.5 इंच और इसको भी हमें चौकुटा निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमारा 2.5 इंच है, ऊपर की साइड भी 2.5 इंच है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम पीछे का पल्ला अलग करेंगे, तो ये हमारा पीछे का है, 8.5 इंच लंबाई है गले की और आपको देख के ही गला काटना है, ये पीछे का है तो इसको भी हम अलग रखेंगे। अब आगे का, आगे के पल्लर में हमें 1/2 इंच यहाँ पे आरूमल में ज्यादा कटिंग करनी है। अब यहाँ पे भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। अब इसकी लंबाई गले की जितनी है इस तरीके से हम नाप लेंगे कि गले की लंबाई है 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा और ऊपर की साइड भी सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा लंबाई में और यहाँ पे घट जाएगा। ऊपर की साइड हम जब शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की साइड हम इसको सिलाई में लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारा यहाँ पे गला लंबाई में ज्यादा हो जाएगा, चौकुटा गला है। तो 2.5 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है और इसको चौकुटा निशान। अब तीरे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम तीरे को 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब बीच में हम 12 इंच लेंगे और इसको हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब प्लेट का निशान 10 इंच पे और यहाँ पे भी बीच में हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब नीचे की प्लेट 4.5 इंच। अब देखिए कितना सिंपल है, ब्लाउज को अच्छे से नाप ले लें और फिर कटिंग का आप निशान लगा लें और इसको काटें तो ब्लाउज भी हमारा फिट आएगा और कोई शिकायत भी नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है कितना तीरा लगा हुआ है, कितना शोल्डर है, कितना गला है, तो आप अच्छे से नाप ले लें फिर आप ब्लाउज पे निशान लगाएं और उसकी कटिंग करें। अब ये हमने निशान लगा लिए तो यही आपको ये 3-4 बातें ध्यान में रख के कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे झोल आती है तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच कटिंग इसको काटना है और गले की चौड़ाई हमें ज्यादा नहीं लेनी है, 2.5 इंच ही लेनी है। लंबाई भी जैसे ब्लाउज की लंबाई है उसी के बराबर हमें लंबाई लेनी है। तीरा भी मैंने आपको बताया है कि कैसे नाप लेना है, आपका तीरा है जैसा आप ब्लाउज का अच्छे से नाप लें। और भी कटिंग हो गई है, यहाँ पे कैंची के निशान लगा लेंगे। अब ऐसे हमने निशान यहाँ पे लगाएंगे, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे इसी के बराबर, तो हमें फिटेड डालने में भी आसानी रहेगी। अब ये दोनों साइड हमारे निशान लग गए हैं। अभी हमारा नीचे का तीरा है, तीरे को हमें गोलाई में ही काटना है और प्लेट को भी हमें शेप में ही फिटिंग करनी है। इसकी भी वीडियो मैंने आपको बताई है कि कैसे प्लेट शेप में उतारनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी 3-4 बातें कटिंग में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।